मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सुक्खू की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। ये एक शिष्टाचार भेंट होगी, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री उनसे पहले की तरह प्रदेश के विकास के लिए सहयोग की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल में ठप पड़े 2 सीमेंट उद्योग का मामला भी प्रमुखता से उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना हुए हैं। अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस दौरान कांग्रेस आलाकमान सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित राज्य के राजनीतिक विषय पर भी चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम सुक्खू की होने वाली बैठक प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। इस बैठक के दौरान सीएम सुक्खू व्यक्तिगत तौर पर राज्य में बंद पड़े अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। वो पीएम से अनुरोध कर सकते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर हस्तक्षेप करें और अंडानी समूह पर दबाव बनाए कि इन दोनों सीमेंट उद्योग को जल्द से जल्द खोला जाए। पीएम से होने वाली मुलाकात के दौरान नेताओं के बीच राज्य के आर्थिक विषय पर भी चर्चा संभावित है। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू पीएम से अनुरोध कर सकते हैं कि वो हिमाचल सरकार को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान सीएम सुक्खू कांग्रेस आलाकमान सहित प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भी राज्य के राजनीतिक मामले पर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के दौरान प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा हिमाचल प्रदेश के निगमों तथा परिषदों रिक्त पड़े अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्तियों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं।